सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में। और आज हम खेल रहे हैं अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर, और आप सब देख रहे हैं अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर का एपिसोड नंबर 10। सो जैसा कि आप सब जानती हैं कि इसके पिछले एपिसोड में हमने फाइनली हमारे ट्रक को कस्टमाइज़ भी करवाया, और साथ ही में हमने हमारे उस ट्रक के साथ फर्स्ट डिलीवरी भी की, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। और आज मैं जा रहा हूँ एक और नई जॉब के साथ, और आज बिल्कुल ही हमारे पास नया ट्रक है। आप ट्रक देख सकते हैं, बिल्कुल ये नया ट्रक है गाइस। ये है कैनवर्थ का K200 एरोडाइन, और बहुत ही प्यारा ट्रक है गाइस। तो आपको ये ट्रक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बार ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज हम लेके जा रहे हैं स्टोन्स। आप देख सकते हैं पीछे दो ट्रेलर लगे हुए हैं हमारे। और आज की हमारी जर्नी बहुत ही छोटी होने वाली है, लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस गेम प्ले में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारी जर्नी को। और जर्नी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रक का प्यारा सा इंटीरियर। तो ये है गाइस इस ट्रक का इंटीरियर, आप देख सकते हैं एकदम कतई जहरीला ट्रक हो रहा है एकदम। ये देख सकते हैं आप। तो ये है इसका इंटीरियर, बहुत कुछ देखने को मिलता है इसमें। तो चलिए करते हैं ट्रक का इंजन स्टार्ट। और इंजन स्टार्ट करते हैं आपको एक जिसमें चीज़ देखने को मिलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3, ये देखिए जो ये स्टेयरिंग आता है इंजन स्टार्ट करती, ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और जैसे ही आप इंजन बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वापस पीछे चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इंजन बंद कर दिया तो देखिए ये खुद ही मतलब पीछे चला गया। तो ये सिस्टम मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, मतलब ये ऑप्शन मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल करते हैं जर्नी को कंटिन्यू, लेट्स गो। पहले मैं लाइटें जला लेता हूँ। ओ वाह यार, पीछे भी उजाला, लाइट कहाँ लगी हुई है, दिख ही नहीं रही गई लाइट। चलो भाई चलो 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 चलो। नहीं, यहाँ से रास्ता होगा ना ऊपर से। अब बैग लेके देखता हूँ मैं एक बार। डबल ट्रेलर की ये प्रॉब्लम रहती है। सो ये गाइस बिल्कुल ही नया ट्रक है, तो इसको थोड़ा संभालना मुश्किल होगा। कहाँ से इसको घुमा के लाया हूँ, आप सोचोगे यहीं से ही निकाल लेता, लेकिन क्या करें यार, थोड़ा ट्रक की आवाज़ सुन रहे हैं आप, बहुत ही खतरनाक आवाज़ है इसकी। 525 हॉर्स पावर का ट्रक है ये गाइस। तो गाइस सुबह होने वाली है एक्चुअली। मैं जब मैंने जॉब ली थी तब सुबह के 5 या 5 नहीं 4 बज रहे होंगे।
चलो भाई। चल मेरी प्यारी गड्डी चल। गाड़ी वाला आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा। चलो हम निकलते हैं, एकदम प्यार से निकलेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा इधर। मैं रोकता हूँ एक बार ट्रक को, तो आपको नज़ारा दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा नज़ारा है ये। तो ये हमारा प्यारा सा ट्रक, बेटा जितना हॉर्न बजाओगे मैं नहीं हटूंगा, शांति से खड़े रहो। इसकी आवाज बहुत ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चला रहा हूं मैं। ओके अब यहाँ से आराम से टर्न लेना पड़ेगा। सो गाइस ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये यार बहुत प्यारा टाइम होता है। मतलब इसमें इतनी अलग ही फीलिंग आती है। फिलहाल मुझे फीलिंग नहीं लेनी, मुझे मेरा काम करना है। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना बेहद बढ़िया व्यू आ रहा है। मैं आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यार। कैसा लगा आपको व्यू कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और धीरे धीरे सुबह भी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ लाइट्स बंद कर दूँ। सो गाइस हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन तक। ये हमारी जो जर्नी होने वाली है ये 193 माइल्स की है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत छोटी जर्नी है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। ओहो बस वाला हमसे ओवरटेक कर रहा है गाइस, देखो 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 साइड मिरर में अगर आप देख सकते हो तो। गुस्सा आ गया भाई को, जा भाई देखो साइड दे रखी, जा 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 रहा ही नहीं। मैं तो धीरे भी चल रहा हूँ, इतनी बेचारा डर गया।
सो गाइज, आपने इसके पीछे वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच यार। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्री कितनी करनी चाहिए? आई मीन, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सही है या इससे ज़्यादा? मतलब क्योंकि यार मुझे कोई आइडिया नहीं कि कमेंट्री कैसे किया जाता है, तो आप थोड़ा सजेशन दे सकते हैं मुझे, क्योंकि आप लोग बता सकते हैं यार, इसलिए प्लीज़ आप मेरी ये हेल्प कीजिए। तो ये तो आप ही बता पाएंगे यार सही से कि मैं कमेंट्री कैसी कर रहा हूँ और कैसी मुझे करनी चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा यार। तो प्लीज़ यार बताना ज़रूर। और मैंने एक वीडियो बनाई थी गाइस इससे पहले, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि एनवीडिया GeForce GT 730 जो ग्राफिक कार्ड है 2GB, उसमें आप कैसे अपनी गेम्स की सेटिंग को सेट कर सकते हैं, मतलब उस ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग ETS 2 और ATS में कौन सी सेटिंग्स बेस्ट रहेगी, वो मैंने बताया है। तो जिस किसी भी मेरे भाई के पास एनवीडिया GeForce GT 730 2GB है या फिर 4GB है, तो मैंने उसमें दोनों पॉइंट्स को कवर किया है। आप जाके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है, आप जाके ज़रूर देखना उस वीडियो को, आपकी वो काफ़ी हेल्प करेगी। और जो मेरे भाई लोग गेम खेलते हैं मेरी तरह, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर उनके पास एनवीडिया GT 730 है। और मैं बहुत ही जल्द GTA 5 की भी सेटिंग्स बताऊँगा आपको इस ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग कि कौन सी सेटिंग्स बेस्ट रहती है GTA 5 में, जिससे आप बिना कोई लैग प्रॉब्लम के आसानी से गेम प्ले इंजॉय कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। फिलहाल हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओहो, रोड खुदी हुई है। चल भाई चल, टाइम नहीं हमारे पास। एकदम पीछे लगा दिया मैंने इसके। अब ये उत्तर क्या है, बोले क्या प्रॉब्लम है तेरे? ऐसा नहीं होगा, बड़े ही अच्छे ड्राइवर है इस गेम में। इस गेम में और भी ऑप्शन हमें मिलने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जैसे टायर पंचर हो जाए ट्रक का, या हवा कम हो तो वो डलवानी चाहिए, मतलब रास्ते में टायर पंचर हो जाए तो हम टायर बदल रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ इंडियन स्टाइल में थोड़ा इसको बना के रखे तो बहुत ही मज़ा आया। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कितना नज़ारा दिखाएगा ये बाहर का, लेकिन कभी कभी क्या है, व्यू भी इंजॉय करनी चाहिए। तो हमारा ट्रक तो लग भी रहा है, कतई ही जहरीला एकदम। देखिए पीछे पीछे ट्रक आ रहे हैं हमारे। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और चलते हैं। फ्यूल तो इसमें काफ़ी है, मैंने चेक कर लिया था चलने से पहले। अब थोड़ा इस ट्रक को भगाने की बारी निकली है। सिंगल लेन में क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि मोड़ ज़्यादा होते हैं, रोड सीधी कम होती है, जिस वजह से क्या है कि ट्रक का थोड़ा डर लगता है पलटने का। और हम तो चल भी ऐसे रोड पे रहेंगे जहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है रोड। लेकिन भागता अच्छा है ये ट्रक।
सो गाइज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछें या गेम से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछें। आपकी जो इच्छा है, जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। काफ़ी ख़तरनाक रूट है ये तो, मतलब जहाँ देखो वही पहाड़ी पहाड़ी, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। फीलिंग आ रही है मैं लद्दाख में आ गया, क्योंकि लद्दाख में इस तरह के आपको सीन्स कुछ देखने को मिलेंगे। गाइस है वो ओवरटेक करना पड़ेगा हमें गाइस। थोड़ा भगाता हूँ ट्रक को, फिर इससे ओवरटेक करते हैं, क्योंकि तो बहुत ही धीरे धीरे चला रहा है। हालांकि चला तो तेज ही रहा है, लेकिन अब नहीं कर सकते हम ओवरटेक, क्योंकि यार सामने मोड़ आ रहा है और हमें टर्न भी लेना है। स्पीड लिमिट है, लेकिन हम कितने पे चल रहे हैं पता ही नहीं है। काफी लाइन आ रही है एकदम लंबी। सो हमें तो यहाँ से टर्न लेना है। भी बोलो, लेकिन इस ट्रक की आवाज बहुत प्यारी लगी मुझे गाइस। आप देख सकते हैं कि इसके जो साइड मिरर है ना, वो एकदम सही पोजीशन पर है, और हमें भी एकदम क्लियर, मतलब मुझे भी एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन कुछ कुछ ट्रक्स में ये बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ होता है,
मतलब दिखता ही नहीं है, देखना ही मुश्किल हो जाता है एकदम, और जिस वजह से मैं फिर साइड में देखता ही नहीं। फिर मैं तुक्के से ही एकदम ट्रक को टर्न करता हूँ कि हाँ भाई कोई पीछे नहीं आ रहा होगा, हल्का सा थोड़ा सा देखता हूँ। लेकिन ये साइड मिरर की एकदम सही पोजीशन है, पीटरबिल्ट वाला जो ट्रक है ना, ये अलग ही लगता है दूर से, मतलब पता चल जाता है कि हाँ भाई पीटरबिल्ट वाला ट्रक आ रहा है। वैसे हम भी गाइस फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, कैसे मोड़ है यार, चक्कर आ जाए आदमी को। तो हम ग्रैंड साइक कैनन विलेज पहुंच चुके हैं। अच्छा हम कोई गांव में आए हैं, मुझे लगा हम सिटी जा रहे हैं। इधर से तो कोई नहीं आ रहा, इधर भी कोई नहीं आ रहा, निकलते हैं। यहीं पे घूमना है मैं, वरना मैं सीधा निकल जाता अभी तो। यहाँ पे है कंपनी, कल लेना है यहाँ पे। ओके आराम से लेंगे, आराम से आराम से आराम से। चल भाई चल 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 चल, बस बताइए भाई कहाँ पार्क करना है इसको। ओके यहाँ पे पार्क करना है, कर देंगे सर, नो प्रॉब्लम। इधर से थोड़ा देखना पड़ेगा, साइड में जाएगी तो है ना। ओके घूम जाएगा घूम जाएगा घूम जाएगा घूम जाएगा। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय।